हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बनाएंगे सरसों और बथुए के साग की रेसिपी। और वीडियो में बने रहिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, एंजॉय कीजिए सरसों के साग के साथ में। तो चलिए हम लोग प्रोसेस में चलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे सरसों का साग। ये है, सरसों को धो के अच्छे से और इसे कट कर लिए हैं और साथ में इसके बथुआ भी मिक्स करेंगे। तो चलिए बथुआ दिखाते हैं। ये है बथुआ और इसे भी धोकर अच्छे से कट कर लिए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट वाला है। तो चलिए आज हम लोग सरसों का साग बनाएंगे और वो भी विलेज स्टाइल में। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए प्रोसेस में चलते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई को रख दिए हैं और इसमें डालेंगे सरसों को बॉयल करने के लिए। सरसों और बथुआ दोनों को एक साथ में मिक्स करके बॉयल करेंगे। तो सबसे पहले इसे बॉयल कर लेते हैं और नमक डाल के इसे बॉयल करेंगे, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सरसों और बथुआ दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर बथुआ भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई थोड़ा सा फूल हो जा रहा है, थोड़ा सा ये गल जाएगा इसके ऊपर से दोबारा से फिर डाल देंगे। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और इसे हम कवर कर देंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। 5 मिनट तक बॉयल होता है, फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम साग को चेक कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। पानी ये बहुत छोड़ेगा और इसमें नमक भी अभी ऐड कर लेते हैं ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नमक इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, साग में थोड़ा सा हल्का नमक ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे अच्छे से कलाएंगे, मिक्स कर लेते हैं और इसे कवर कर देते हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो सर्दी में ये वाली सब्जी, साग, भाजी जरूर यूज कीजिए, बहुत ही हेल्दी होता है। यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं और देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे मथने से हम लोग इसे ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पे चला चला के मथेंगे और इसकी इसे बिल्कुल बारीक कर देंगे। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसे मथेंगे। इससे साग बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए हम लोग इसे फिर से कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट फिर से मथेंगे। यहाँ पर एक और देख लेते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए साग काफ़ी अच्छा से मैश हो गया है, ये देखिए। तो चलिए अब इसे हम लोग तड़का लगाएंगे। तो गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और तड़का के लिए चलते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाल दिए हैं, गरम हो चुका है। आपको तड़का लगाने के लिए सरसों का ऑयल या तो घी, देसी घी यूज कीजिए, दोनों में टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर सरसों का ऑयल देखिए, लहसुन लहसुन हो चुका है और इसे हम लोग खड़े मसाल, खड़े मिर्च, लाल मिर्च ऐसे भी डालेंगे बस इसका सूंधापन के लिए डालते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा 1 इंच हींग डालेंगे। और ये सारे तड़का तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम लोग साग को फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए साग तैयार हो चुका है, तड़का भून चुका है और इसका पानी भी गल गया है। तो चलिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो इसे प्लेट में निकालते हैं साग को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बनाएंगे सरसों और बथुए के साग की रेसिपी, और वीडियो में बने रहिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, एंजॉय कीजिए सरसों के साग के साथ में। तो चलिए हम लोग प्रोसेस में चलते हैं।